हेलो दोस्तों, मैं हूं हनी शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया डिफेंस बात, जिसमें हम लेके आते हैं देश और दुनिया के डिफेंस से रिलेटेड बड़ी खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, आज की बड़ी अपडेट पाकिस्तान से निकलकर आ रही है। पाकिस्तानी भले ही बड़ी बड़ी मिसाइलों को डेवलप करने का दावा करता हो, पर उसकी पोल आप उन्हीं के लोग खोलने लगे हैं। अगर कोई आम आदमी यह बात करे तो समझ में भी आता है या उसकी बात को नकारा भी जा सकता है, लेकिन यह बात खुद मानी है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने। दोस्तों, आपको बता दें, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का अभी इलाज लंदन में चल रहा है, पर वहाँ एक निजी समाचार एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने यह बात साफ मानी कि उनके शासन के दौरान जब पाकिस्तानी सेना अफगानिस्तान में वॉर लड़ रही थी, तब अमेरिकी मदद से उनको अफगानिस्तान में अमेरिका की टोमाहॉक क्रूज मिसाइल प्राप्त हुई, जिसकी पाकिस्तानी आर्मी ने रिवर्स इंजीनियरिंग कर बाबर क्रूज मिसाइल का निर्माण किया। दोस्तों, उन्होंने दावा किया है कि उनकी सरकार ने 1998 में अफगानिस्तान में अलकायदा के ठिकानों के खिलाफ अमेरिका द्वारा किए गए हमलों में अफगानिस्तान के खिलाफ लॉन्च की गई मिसाइल को रिवर्स इंजीनियरिंग किया। शरीफ ने कहा है कि इस मिसाइल में से एक को बलूचिस्तान में उतारा गया और उन्होंने अपने खुद के मिसाइल कार्यक्रम को विकसित करने के लिए बैक इंजीनियरिंग या रिवर्स इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया। हालांकि दोस्तों, उनका मकसद इस इंटरव्यू में सीधे तौर पर इमरान खान की सरकार पर निशाना साधना और पाकिस्तानी फौज के साथ अपने अच्छे रिश्तों के बारे में बताना था, जिसमें उन्होंने बताया था कि 1998 में उन्हीं के शासन के दौरान पाकिस्तान ने परमाणु बम का परीक्षण किया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि आज पाकिस्तान जिस JF-17 थंडर फाइटर प्लेन पर गर्व महसूस करता है, वह भी उन्हीं के शासनकाल के दौरान पाकिस्तान में शामिल किया गया था। पर दोस्तों, इंटरव्यू के दौरान ही वह कई बातें ऐसी बोल गए जिससे पाकिस्तान की पोल पूरी दुनिया में खुल गई। दोस्तों, उनकी इस कबूलनामे के बाद यह बात साफ जगजाहिर हो चुकी है कि पाकिस्तान किस हद तक कोई चीज़ डेवलप करता है या डेवलप करने का वो दावा करता है। भले ही पाकिस्तानी लोग और पाकिस्तान का मीडिया कितने ही दावे करे, लेकिन खुद एक पूर्व प्रधानमंत्री का दिया गया यह इंटरव्यू बहुत बड़ा खुलासा करता है। पाकिस्तान आर्मी किस हद तक प्रोपेगेंडा फैलाती है और अपने लोगों को किस हद तक अंधेरे में रखने का काम करती है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में जितने भी मिसाइलों का निर्माण किया गया है, वह इंडिजिनसली डेवलप किए गए हैं, जिसमें हमारे वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और अगर ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्माण दूसरे देशों के साथ मिलकर किया है, तो खुले तौर पर इसे स्वीकार भी किया है कि हमने इस मिसाइल का निर्माण उनके साथ मिलकर किया है। पर पाकिस्तान दूसरों के साथ मिलकर मिसाइलों के निर्माण करना या दूसरों से ली गई मिसाइलों को रिवर्स इंजीनियरिंग करके खुद की बाबर जैसी क्रूज मिसाइलों को भी अपना बोलता है और उसे इंडिजिनसली डेवलपमेंट बताता है, या तो पाकिस्तान को पता ही नहीं है कि इंडिजिनसली डेवलपमेंट क्या होता है। यही कारण है कि चाइना की मदद से बनाए गए फाइटर प्लेन JF थंडर, जिसका इंजन रशिया से इंपोर्ट होता है और इस विमान को चाइना ने डेवलप किया है, पाकिस्तान में केवल इसकी असेंबलिंग होती है, उसको भी पाकिस्तान अपना इंडिजिनसली डेवलप्ड फाइटर प्लेन बताता है। पाकिस्तान के लोगों को उस एक बबल में रहने की आदत सी पड़ गई है जिसमें पाकिस्तान की हर चीज़ उनके लिए बेस्ट है, पूरी दुनिया में बेस्ट। और दोस्तों, हमें उनको इस बबल में ही छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।